कमसे कम हमरा कमसे कम घर भी गिर गया है, कमसे कम सरकार से हमरा मदद होता था। वही चीज हम लोग के बुढ़बक बना के हम लोग के रखा है और कलमचरी सब ये सब जैसे घर बैठल बनाता है और हम लोग के कोई सुविधा कुछ नहीं दे सकता है ना देगा। हजारीबाग जिला के चरही पंचायत अंतर्गत कसियाडी गांव में 192 परिवार रह रहे हैं, उसमें मात्र 20 परिवार का ही बीपीएल में नाम दर्ज है और बाकी का नाम दर्ज नहीं है। आपका घर गिर गया है, इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है, हमारा बीपीएल नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। अभी कब तक वृद्धा पेंशन अभी हमारा मिलता, वो भी ना बीपीएल हमारा बोलता है बीपीएल ने नाम हमारा कुछ हमारे चढ़वे नहीं किया। अब अभी तक अभी ना हमारा वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना इंदिरा आवास मिल रहा है, ना कहीं कुया के घर के कोई कुछ हमारा मिलवे नहीं कर रहा था। हमारा बोलता है कि जैसे ब्लॉक जाते हैं सीधा बोलता है वीडियो आपको है बीपीएल, बीपीएल ना है तो बीपीएल हाँ अपने हिसाब करते तो हम बीपीएल बना देते। सरकार सब पे बनाता है या सरकार भेजता है और हमारा कोई नहीं आता, का कारण से हमारा ना भेजा था अभी तक ना हमारा सुविधा कुछ ना। अब विकलांग भी हो गए हैं, विकलांग भी 2011 तक हमारा मिला, 2011 से बाद ना हमको पैसों भी नहीं मिल रहा है, ना कोई सुनाई आ रहा है कि का मिलेगा नहीं मिलेगा, हम तो बुढ़वा हो गए हैं। मैं चाहता हूं बाकी परिवार का भी नाम बीपीएल में दर्ज हो ताकि सरकारी योजना से जो लाभ मिलता है सबों को मिल सके। मैं चाहता हूं कि हजारीबाग के उपायुक्त डॉक्टर मनीष रंजन का मोबाइल नंबर 9431-14-1943 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि बाकी परिवार का बीपीएल में नाम दर्ज हो और सरकारी योजना का लाभ उठा सके। मैं चुनू हंसदा हजारीबाग झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।